हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टोमेटो प्यूरी वाला पास्ता बना रही हूँ। बच्चों का मेरे बहुत फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो टमाटर का प्यूरी मैंने बनाया है उसी का पास्ता बनाने जा रही हूँ। कोई रेडीमेड सॉस यूज़ नहीं करूँगी, इसी से बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने 2-3 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया है, प्यूरी बना लिया है। और ये मेरे 1 कप मेरे पास्ता थे, इन्हें मैंने 2.5 कप पानी में 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक के साथ बॉईल करके स्ट्रेन करके रख लिया है। यहाँ इसमें मैं यूज़ करूँगी पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा सॉल्ट बस, और इसको बटर में बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच बटर डाला है। अभी इसमें डालेंगे ये जो हमारा लहसुन और अदरक है बारीक बारीक कटा हुआ। इसको जस्ट सॉटे करना है, मतलब 30-40 सेकेंड बस लो फ्लेम पे। ब्राउन नहीं करना, ना ज़्यादा ओवर कुक करना है। इसको हल्का सा ऐसे से सॉटे कर लेते हैं बस। अच्छे से मैंने इसको सॉटे कर दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं अपनी जो टोमेटो प्यूरी है वो। फ्लेम अभी मैंने लो कर दिया था, बटर जले ना इसलिए। इस टोमेटो प्यूरी में हल्का सा पानी ऐड करके मैं डाल देती हूँ, जो बाउल है मेरा इसमें हल्का सा, मतलब 4-5 टेबल स्पून के जितना। तो इसमें अच्छा सा 1-2 मिनट बॉयल आने दिया मैंने टोमेटो प्यूरी में। अभी जो स्मिथ एंड जॉन का आता है ना पास्ता मसाला, वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि और कुछ स्पाइस मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। और साथ ही मैं डाल दूंगी जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है मेरी। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते तो चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पिज़्ज़ा टॉपिंग भी डाल दूंगी मैं। तो 1 टीस्पून के जितना मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग डाल दिया है। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। पास्ता मसाले में भी सॉल्ट होता है और बटर भी हमारा सॉल्टी है, और पिज़्ज़ा सीजनिंग में भी सॉल्ट होता है, और पास्ता जब मैंने बॉईल किया उसमें भी नमक ऐड किया था, इसलिए नमक बहुत ही ज़रा सा पड़ेगा। अभी तो मैं डालूंगी नहीं, बनाने के बाद टेस्ट कर लूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अच्छे से 3-4 मिनट अच्छे से बॉईल आने देते हैं हम इसमें। अच्छे से यहाँ 3-4 मिनट मैंने जो हमारी ग्रेवी पक रही है उसको पकाया है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं 1/2 चम्मच के जितना यहाँ रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। थोड़ा कलर भी अच्छा आएगा और हल्की सी स्पाइसीनेस आ जाएगी। तो बस मैंने 1/2 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बदले आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, और कुछ ना डालना चाहें तो कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था कलर भी, तो इसलिए बस मैंने ऐड किया, वैसे मैं नहीं करने वाली थी। अच्छे से इसके साथ भी हम मिक्स कर लेते हैं अपनी प्यूरी को। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं अपने पास्ता ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ अच्छे से पास्ता डाल के मैंने मिक्स भी कर लिया है। बहुत प्यारा कलर लग रहा है। ऑलमोस्ट डन है मेरे पास्ता, मेरे टोमेटो प्यूरे वाले पास्ता। एकदम बच्चों के लिए तो बिल्कुल मिर्च इसमें है ही नहीं, हल्का सा बस मैंने रेड चिली सॉस डाला। आप चाहें तो वो भी मत डालिएगा, आराम से कोई भी खा सकता है। चलिए फिर इसको बस 2 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ और मेरा पास्ता एकदम रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे टोमेटो प्यूरी वाले बहुत ही यमी यमी से पास्ता तैयार है। बहुत झटपट बन जाते हैं, टेस्टी भी बहुत लगते हैं। आप लोग बना के देखिएगा, कमेंट से बताइएगा कैसे लगे आपको। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।